नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बिजनौर के मंडावर क्षेत्र के गांव रानीपुर के पास गन्ना सेंटर पर एक भयानक दुर्घटना हो गई, जहां मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल बिजनौर की बस व ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। वहीं बस ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई और बच्चे भी घायल हो गए। परिवार वालों में भयानक हड़कंप मच गया। लगभग सुबह 9 बजे मॉडल नेहरा की गाड़ी नागल सोती की तरफ से बच्चों को ले जा रही थी। अचानक रानीपुर के पास ट्रक और बस की अचानक दुर्घटना हो गई। पुलिस प्रशासन का भी अधिक योगदान रहा। वहीं 112 नंबर की गाड़ी वालों ने बच्चों को गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल बिजनौर अस्पताल ले गए। वहां की जनता ने एम्बुलेंस को फोन किया और 2-3 एम्बुलेंस तुरंत समय पर पहुंची और बिजनौर गंभीर बच्चों को उठाकर ले गई। वहीं स्कूल बस में सवार 30 बच्चे घायल हो गए और उन बच्चों को अस्पताल छोड़ दिया गया। वहीं दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम लग गया। पुलिस प्रशासन ने कुछ समय बाद जाम हटवा दिया। बिजनौर से राकेश कुमार की रिपोर्ट। आज सुबह लगभग 9 बजे मंडावर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मंडावर चंदक रोड पे एक स्कूल बस का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें स्कूल बस ड्राइवर की दुखद मृत्यु हुई है। आज कोहरा बहुत ज्यादा था उस एरिया में। 18 बच्चे घायल हुए। इन घायल बच्चों को तत्काल पुलिस ने अस्पताल में एडमिट कराया। 4 अलग अलग अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है। मेरे द्वारा सभी अस्पतालों का भ्रमण किया गया, डॉक्टरों से बातचीत की गई, बच्चों का हालचाल जाना गया तथा उनके पेरेंट्स से बातचीत की गई। सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। कुछ बच्चों की हेड इंजरी आई, उनका बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट को उपलब्ध कराया जा रहा है तथा डॉक्टरों ने यह बताया कि उनकी हालत खतरे से बाहर है और उनको शीघ्र ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभियोग दर्ज किया जा रहा है। समस्त वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।